करना बिल्कुल मत एंड इस तरीके की रेमेडीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बिना देरी करते हुए चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so फ्रेंड्स इस होम रेमेडी को बनाने के लिए यहां मैंने एक केला लिया है अगर आपके पास पका हुआ केला है तो आप वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ केले का हम उतार लेंगे छिलका और उसका थोड़ा सा जो पीस कट करके उसे हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ केले का थोड़ा सा पेस्ट चाहिए तो आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर फोक की हेल्प से इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हैं बस गुठली ना हो केले की उसमें बस इसका ख्याल रखना है फ्रेंड्स केले का इसलिए मैंने यहाँ इस्तेमाल किया इस होम रेमेडी के लिए क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में होता है विटामिन ए बी सी जो कि स्किन को बहुत ज्यादा चमकदार बनाता है स्किन को बहुत ज्यादा से काम करता है वो वापस जल्दी नहीं आती है तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपने देखा कि मैंने केले को अच्छे से कद्दूकस कर लिया एक चम्मच के करीब उसमें फ्रेंड्स हम आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे शहद यानी कि हनी इसमें फ्रेंड्स भरपूर मात्रा में ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो हमारी स्किन की चमक को बरकरार रखते हैं साथ ही स्किन पर आसानी से चिपक जाने के कारण अनवांटेड हेयर बहुत आसानी से बिना पेन के रिमूव भी हो जाता है इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम कस्तूरी हल्दी चुटकी भर के करीब ऐड करेंगे यहां आप कस्तूरी हल्दी का ही इस्तेमाल करिएगा यदि आपके पास नहीं है स्किप भी कर सकते हैं नहीं तो आप किचन वाली हल्दी आधी चुटकी भर इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कलर दे देती है तो इसलिए इसको बहुत कम मात्रा में हम यूज करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच के करीब आप एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं यदि आपके पास मार्केट वाला नहीं है तो आप प्लांट का भी एलोवेरा इसमें ऐड करके इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स इस रेमेडी का एक मेन इंग्रेडिएंट है है जो कि नमक तो यहां हम खाने वाला जो नमक होता है आधा चम्मच के करीब ऐड कर देंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि कोई भी चीज की कुठली इसमें रह ना जाए आपको अच्छे से इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये हमारी बहुत ही अच्छी सी कमाल की रेमेडी बन के तैयार होगी सो फ्रेंड्स इसको बाइंड करने के लिए थोड़ा थिक रेमेडी बन जाए उसके लिए यहाँ मैं आधा चम्मच के करीब ऐड करूंगी बेसन यदि आपके पास बेसन नहीं है तो आप यहाँ घेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे जैसा कि फ्रेंड्स मैं मैं आपको साथ साथ जो मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ उसके बारे में भी डिटेल देती जाती हूँ आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं जो जो इंग्रीडियंट मैंने इसमें ऐड किए हैं वो हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है सो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है लेमन जूस की ड्रॉप्स ऐड किए यदि आपको सूट नहीं करता है तो आप यहाँ टमाटर जूस भी यूज कर सकते हैं इन चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड तभी आप पूरी प्रोसेस समझ पाएंगे बीच में वीडियो छोड़ देने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं वीडियो की रेमेडी ट्राई करने पर तो फिर आप बहुत ज्यादा निराशा होती है सो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से देखिए कि मैंने क्या क्या ऐड किया है कैसे मिक्स किया है एंड कैसे अप्लाई कर रिमूव किया है तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे सो आप देख सकते हैं सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है स्किन की ड्राइनेस डलनेस को ये रेमेडी दूर करती है यदि आप इसे चेहरे पर पूरे पे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ हम इसे अनवांटेड हेयर रिमूव करने वाले हैं तो कैसे फेशियल हेयर को इसे रिमूव किया जाए चलिए आइए ये भी देख लेते हैं सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको अपने अपर लिप्स फेशियल हेयर जो होते हैं उनको रिमूव करके दिखाने वाली हूं वैसे तो फ्रेंड्स इस तरीके की रेमेडीज मैं ट्राई करती रहती हूं तो जो मेरे अपर लिप्स हैं वो ऑलरेडी बहुत कम हो गए हैं उनके रूट्स भी वीक हो गए हैं तो इतनी जल्दी हेयर ग्रोथ नहीं आती आई थिंक आपको कैमरे में अच्छे से जो हेयर है वो विजिबल नहीं हो पा रहे होंगे लेकिन फिर भी अभी कुछ हेयर्स यहाँ पर हैं तो फ्रेंड्स जब आप इस रेमेडी को अनवॉन्टेड हेयर को रिमूव करने के लिए अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए साफ सुथरी होनी चाहिए तभी आपकी स्किन पर ये रेमेडी अच्छे से काम करेगी और अच्छे से आपको रिजल्ट देगी यहाँ मैंने अपना

कर देता है सो फ्रेंड्स यदि आपकी एज बढ़ने लगी है और आपकी चेहरे पर आपकी एजिंग दिखाई देने लगी है आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है चेहरा बहुत ज़्यादा डल एंड मुरझाए दिखाई देने लगता है और स्किन की नमी नेचुरल नमी जो होती है वो यदि खत्म हो गई है तो आप इस तरीके की रेमेडी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड चमकदार बनेगी सो फ्रेंड्स यहाँ इस रेमेडी को आप लगा लेंगे तो उसके बाद एक कोई भी कपड़ा आप लेंगे और इस तरीके से अपवर डायरेक्शन में हल्का सा प्रेशर देते हुए इस रेमेडी को जब रिमूव करेंगे तो उसकी स्टिकी पना होने के कारण इसकी चिपचिपाहट होने के कारण आपका जो अनवांटेड हेयर है इस वाइफ में निकल के बाहर आ जाएगा जो हल्का रोहा होता है फ्रेंड्स वो तो हैंड टू हैंड निकल के रूट से बाहर आ जाता है लेकिन जो कड़ा रोहा होता है उसके लिए आपको इस रेमेडी को वीक में दो से तीन बार ट्राई करना होगा तब आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है फ्रेंड्स कई बार बाहर की वैक्सिंग वगैरह हम लोग करा लेते हैं उसके बाद हम घर की ये रेमेडीज जो होती हैं इन्हें ट्राई करते हैं तो वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाती हैं तो उसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि इस रेमेडी ने काम

जरूर करेंगे ताकि जो पोर्स होते हैं वो लॉक हो जाएं क्योंकि वहां से हेयर रिमूव हो तो लॉक करना बहुत ज्यादा हो जाता है जरूरी आप यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ मैंने अनवॉन्टेड हेयर को भी अच्छे से रिमूव कर लिया है आप देख सकते हैं आई थिंक कैमरे में अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा लेकिन जब आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तभी आप इसके रिजल्ट जान पाएंगे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह भी आप इसे एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ये रिजल्ट कैसे मिले हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ आज की होम रेमेडी आप सभी को पसंद आ होगी सो अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाना चाहते हैं बिना स्किन को पहुंचाए बिना पैसा टाइम खर्च किए तो ये आपके लिए से जरूर And इसके कैसे मिले हैं है। है कि आप मेरी वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं जान सकू कि मेरी वीडियो कहां तक पहुंच पा रही है सो so, फ्रेंड्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट को विध बेकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस चैनल पर स्किन केयर से रिलेटेड ट्राई एंड टेस्टेड होम रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ so, मैं विवाई इस वीडियो का यही करती हूँ एंड जल्दी मिलते हैं कौन टाइम वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए खुश रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग